हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या है SRA यूजर्स, तो आप लोगों को मैं कब से समझा रहा था कि SRA में इन्वेस्ट मत करें क्योंकि एक फेक और एक ये स्कैम है। लेकिन बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि नहीं यार, मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और इससे जो है हम पैसे बना रहे हैं पिछले 3 महीने से, 4 महीने से, कोई कह रहे हैं 5 महीने से हम पैसे बना रहे हैं और कुछ ने कहा हमने विड्रॉ किया है। लेकिन रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे वीडियोज़ पे जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें मेजोरिटी ये कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे पैसा और हमारा विड्रॉल जो है ब्लॉक हो गया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मोस्टली जो अभी मेरे व्यूवर्स हैं वो इंडिया से ये कमेंट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि इंडिया के किसी स्पेसिफिक एरिया में इन लोगों ने SRA को ब्लॉक किया है। ये देखें, मैं यहाँ पे कमेंट्स लगाता जा रहा हूँ, अगर आप देखें, और भी मैं बहुत सारे टाइम टू टाइम लगाता जाऊँगा कमेंट्स, तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग रहा है कि भाई SRA टोटली स्कैम है। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार हम अपना पैसा विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं इसके टोटली खिलाफ़ हूँ, मैं पहले ही ये कह चुका हूँ कि पैसा विड्रॉ नहीं करें। जो आपने कर लिया कर लिया, जो नुकसान हो गया हो गया। एक भाई ने तो कमेंट किया है कि मैंने लोन लेके इन्वेस्ट किया था कंसिडरिंग के मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट उनका जो है वो आई थिंक विद इन 10 to 15 days ही उनका विड्रॉल ब्लॉक कर दिया गया है। तो भाई, मैं आप लोगों को कब से समझा रहा था कि इट्स अ स्कैम प्लेटफॉर्म, इस पे इन्वेस्ट ना करें। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रुक गया है, ठीक है, मैं इसकी अवेयरनेस फैलाता जा रहा हूँ ताकि वो लोग जो गरीब हैं या वो लोग जिनको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है वो एटलीस्ट इसमें इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग जब ये होता है कि हम किसी को देख के ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यार इस बंदे ने पैसे कमा लिए तो अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो शायद मैं भी इसमें पैसे बना लूँगा, बट बी केयरफुल, इसमें हमेशा वो फंसता है जो लास्ट में आता है। शुरू वाले तो फिर भी अपना प्रिंसिपल जो है वो निकाल लेते हैं। तो अब ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं कमेंट्स लगाऊंगा बहुत से लोगों के। रिसेंटली मुझे जो लग रहा है, इंडिया में इन लोगों ने एक स्पेसिफिक ग्रुप, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब सब सिटीज़ में इन लोगों ने ब्लॉक किया है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक सिटी में या एक स्पेसिफिक ग्रुप्स के इन लोगों ने अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं। तो मैं कमेंट्स में नोट कर रहा हूँ कि मोस्टली इंडियन व्यूअर्स आके कह रहे हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है। तो भाई, ये टोटली स्कैम है, डू नॉट इन्वेस्ट। आप किसी भी कंट्री से हैं, आप पाकिस्तान से, आप इंडिया से, आप सऊदी में, आप UAE में, आप अफ्रीका में, आप किसी भी कंट्री में इसमें इन्वेस्ट ना करें, इट्स टोटली अ स्कैम। तो बराए करम इससे बचें और अपने दोस्तों को बचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।